नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। ऑथेंटिक वीडियो के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए प्रशिक्षुओं, बहुत ज़्यादा खास एक अपडेट तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा खास नहीं। बस बच्चों की एक जो मन में उद्धेलना चल रही है ना बच्चों के मन में कि सर सुपर टेट यूपी टेट कब होगा, सर क्रोम पे जो दिखा रहा है क्या सही दिखा रहा है, मैं इस पर भी बात करूँगा। सर हमें सबसे पहले इन चीज़ों से बचना होगा। किन चीज़ों से बचना होगा मैं इसके ऊपर भी बात करूँगा। बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे बच्चे जो बार 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 ये चीज़ें आती रहती हैं, पता चलता है एग्जाम होने वाला है, फिर कैंसिल हो जाता है, फिर होने वाला है, फिर पता चलता नहीं होगा। ये चीज़ें प्रिपरेशन शुरू करें या नहीं करें, सबसे बड़ी पेरेंट्स की आशा आज से क्या है बच्चों की हम नौकरी पा जाएं। तो सबसे पहली चीज़ है हम ये बात कर लेते हैं बच्चों की, यह यूपी टेट और सुपर टेट की बात क्यों उछल रही है क्रोम पर। देखिए सबसे पहली बात है बच्चों, आपका जो शिक्षा चयन आयोग है वो साफ साफ इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं दो साल से यूपी टेट नहीं कराया हूँ, दो साल से यूपी टेट नहीं कराया हूँ। और दूसरी चीज़ है कि पाँच साल से हम सुपर टेट नहीं लिए हैं, पाँच साल से सुपर टेट नहीं लिए हैं। और लगभग डीएलएड वाले बच्चों की संख्या हो गई है 10 लाख। 10 लाख बच्चे इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि जल्दी से फटाफट हो जाए एग्जाम, जिससे कि हमारे घर वालों की आस पूरी जाए। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करने की एक आदत, अपनी जो रूटीन है उसको बना के रखना है, कभी हार नहीं माना है। मानना बच्चों कछुओं की चाल ही चलिए, लेकिन चलते रहिए, मैं तो यही कहूंगा बच्चों। फास्ट लास्ट में हम लोग खरगोश की चाल चल लेंगे। अब दूसरी बात यह है कि क्या यह शिक्षा चयन आयोग है कि पहले सुपर टेट लेगा कि यूपी टेट लेगा, इस बात को भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि पहले यूपी टेट लेंगे, पहले यूपी टेट लेंगे। लेकिन इसके पहले बच्चों इन्होंने अगस्त में, यानी अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में जो असिस्टेंट वाला जो इन्होंने फॉर्म निकाला था, प्लस उसके बाद टीजीटी पीजीटी का जो फॉर्म निकाला था, उसको ये लेने के लिए पूरा दावा ठोक रहे हैं बच्चों। ये क्रोम का अपडेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्रोम के अपडेट मैक्सिमम चांसेस होते हैं, 90% होते हैं कि सही होते हैं बच्चों, 10% एक्सेप्शन में लेकर चलते हैं, क्योंकि कुछ भी माहौल क्रिएट हो सकता है, बदलाव हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ अगर मैं बात कर लूँ बच्चों आपके लिए, यूपी टेट के लिए, यूपी टेट के इन्होंने क्या, इन्होंने क्या कहा है यूपी टेट के लिए बच्चों, यह कहा है इन्होंने यूपी टेट के लिए कि भाई यूपी टेट जो है सर, यूपी टेट जो है, यूपी टेट कब तक हो जाएगा। इन्होंने कहा यूपी टेट जो है अगस्त में, अगस्त में आने के प्रबल चांसेस हैं, अगस्त में आने के प्रबल चांसेस हैं बच्चों। इन्होंने साफ साफ ये चीज़ें क्रोम पे कहा हुआ है, आप देख सकते हैं आकर अपडेट, अगर आप डेली यूजर हैं क्रोम के तो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम आपको यही आगाह करेंगे कि आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। अगर आपको लगता है कि मैं सी टेट नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ, यूपी टेट में मैं बहुत ही अच्छा कर सकता हूँ, तो आप जो है यूपी टेट के लिए लगे रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, जो चीज़ें कमज़ोर हैं उस पर ध्यान दीजिए उस सब्जेक्ट पर, और यही निरंतर प्रयास आपको सफल बनाएगी एक दिन। अभी एक दिन से आदमी नहीं सफल होता है, निरंतर प्रयास से कई बार हार सामने फेस होता है, फिर उसके बाद ही इंसान सफल होता है बच्चों। अब बाकी चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं बच्चों, जब तक आपको यह कन्फर्म न हो जाए कि यूपी टेट आने वाला है, तब तक एक काम आप करेंगे कि किसी से कोर्स नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि बच्चे डिप्रेशन में हो जाते हैं बार बार कोर्स लेकर। एक बार यूपी टेट का ले लिए बच्चों, अब एक जगह से बच्चा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन फिलहाल में कोर्स वाला कह रहा है भाई लिमिटेड समय है, यूपी टेट आने वाला है, सुपर टेट आने वाला है, बच्चा लेकर परेशान है, बच्चा कोचिंग जा रहा है, ऑफलाइन जा रहा है, बच्चा ऑनलाइन ले लिया, बच्चा परेशान है, वहाँ पर क्लासेस चल ही नहीं रहे हैं, यह बताया जा रहा है कि जब आएगा तब चलेंगे, बच्चों को बहकाया जा रहा है, और एक ही साल का कोर्स है, बाद में पैसा डाउन हो गया। तो यह चीज़ें मत करिएगा अभी जब तक फाइनल ना हो जाए। आपके लिए बस यही कहना, मैं यूपी एक तरह से यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चों कंटेंट्स पड़े हुए हैं, अपना सिलेबस निकालिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते चलिए। अगर आपका कमेंट आता है ऐसा कि सर एक सिलेबस का वीडियो बनाइए, या फिर जो भी आप कहते हैं इसके रिगार्डिंग, आपके लिए सुझाव बिल्कुल दिया जाएगा। अगर आपको लगता है यूपी टेट की सारे क्लासेस कराए हुए हैं, जैसे कि मैंने ज्योग्राफी वगैरह कंप्लीट करा दिया, ज्योग्राफी करा दिया बच्चों, आपका पॉलिटी कंप्लीट करा दिया, हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है, और प्लस डीएलएड के सभी क्लासेस करा दिए हैं सभी सेमेस्टर के, तो उसको आप रिवीजन करिए, क्योंकि चीज़ें वहीं से आने वाली हैं। 60 से 75% बच्चों आपके डीएलएड ही रहने वाले हैं फोर चारों सेमेस्टर, तो आप इस बात से बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है ना। धन्यवाद। अगर कोई और अपडेट हो मतलब हमसे जुड़े रहें, अगर और कोई अपडेट होगा तो आपको पूरी अच्छे तरीके से उसके लिए एक तरह से विश्लेषण यहाँ पर करेंगे। बस आपसे एक आशा है यही कि आप लोग इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।